हे हाय हेलो नमस्ते साथियों, बुक माय वस्तु के एक नए एपिसोड में और एक नए प्रोजेक्ट में मैं फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं थेऊर में खड़ा हूँ और अगर आप पुणे नगर हाईवे या पुणे सोलापुर हाईवे के बीच में एक क्लियर टाइटल NETP रेरा अप्रूवल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को आप फर्स्ट होम के नज़र से भी देख सकते हो, सेकेंड होम के नज़र से भी देख सकते हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ आप यहाँ पे NA लैंड भी परचेस करके रख सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम अलग अलग 6 मुद्दों से समझने वाले। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेंगे, उसके बाद हम लोग एमिनिटीज़ की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग रेट की बात करेंगे, उसके बाद जो बैंकिंग है कितना परसेंट यहाँ पे लोन होगा उसकी बात करेंगे और आखिर में यहाँ पे क्यों लेना चाहिए इस बारे में भी समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और शेयर करना भी ना भूलें। जो लोग आपके फ्रेंड या रिलेटिव इस एरिया में एक क्लियर टाइटल NETP रेरा अप्रूवल प्रॉपर्टी सर्च करें तो आइए अभी हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे, कनेक्टिविटी के बारे में भी जानेंगे। तो लोकेशन अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये थेऊर नाम का विलेज है और इस थेऊर जो विलेज की खासियत है तो अष्टविनायक के जो 8 टेम्पल है गणपति के, तो उसमें से एक जो चिंतामणि टेम्पल है वो इसी विलेज में है और वो टेम्पल और वो हाईवे जो है अष्टविनायक हाईवे वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। उसके अलावा अगर आप हड़पसर होके आ रहे हो तो हड़पसर यहाँ से 20 किलोमीटर है और सोलापुर हाईवे से जब आप लेफ्ट टर्न करते हो जिसको थेऊर फाटा कहते हैं वो 5.8 किलोमीटर है। वागोली यहाँ से 13 किलोमीटर है। सबसे मेन क्या है तो जो प्रपोज रिंग रोड है वो यहाँ से 4 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे है और जो सेमी हाई स्पीड रेलवे है जो पुणे से नासिक को जाने वाली है फ्यूचर में, उसका जो स्टॉप है वो इस थेऊर विलेज में ही है। तो जो फ्यूचर का जो रियल एस्टेट है यहाँ का वो काफ़ी बढ़ने वाला है और आपको तो पता है कि पुणे सोलापुर हाईवे और पुणे नगर हाईवे के बीचों बीच ये थेऊर नाम का विलेज पड़ता है। तो दोनों हाईवे पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट लोकेशन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आई थिंक आपको यहाँ का जो लोकेशन है और कनेक्टिविटी वो भी समझ में आ चुकी होगी। तो साथियों अभी हम प्रोजेक्ट की डिटेल जानकारी लेते हैं लेकिन सबसे पहले हम टाइटल समझते हैं। तो टाइटल यानी प्रोजेक्ट का जो सैंक्शन है वो कौन सा है, तो इस प्रोजेक्ट को NA PMRDA सैंक्शन किया गया है और रेरा अप्रूवल भी है। अभी ये PMRDA सैंक्शन के जो प्लॉटिंग होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम लोग थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं ताकि ये जो प्लॉटिंग होते हैं तो इसमें जो प्लॉट है वो 100% आपको डिलीवर मिलता है। मीन्स जितना ब्लू प्रिंट पर दिखाया गया उतना आपको 100% पोजेशन भी मिलता है, इस पर कोई लोडिंग फैक्टर नहीं होता है। अगर आप पुणे के कुछ लोकेशन पर जाओगे तो 50% लोडिंग होता है। अगर आप 1,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट ले तो 1,500 स्क्वायर फुट का पैसा देना पड़ता है, लेकिन PMRDA सैंक्शन प्लॉट में से होता नहीं है। तो ये NA PMRDA प्लस रेरा सैंक्शन है। अभी इसका ये बेनिफिट है कि आपका सेपरेट सेल डीड 7-12 तो होगा ही लेकिन बैंक लोन भी यहाँ पे हो जाएगा और रेरा अप्रूवल होने की वजह से अगर बिल्डर के और आपके बीच में कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है कमिटेड की गई चीज़ अगर आपको मिलती है तो आपको रेरा अप्रूवल भी कर सकते हैं। तो टाइटल जो है सर ये क्लियर टाइटल है। उसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट की डिटेल की जान लेआउट समझते हैं इस प्रोजेक्ट का तो ये 9.5 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है जिसमें टोटल 114 प्लॉट है। मिनिमम प्लॉट साइज जो है वो 1077 है, 1,077 स्क्वायर फुट का यहाँ पे मिनिमम प्लॉट है। अगर FSI की बात करते हैं, FSI मीन्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी लीगली कितना कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, तो FSI 1.66 का है। इसका मतलब अगर आप 1,000 स्क्वायर फुट का अगर प्लॉट लेते हो तो 1,660 स्क्वायर फुट का लीगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो यहाँ पे। 1,077 से भी ऊपर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकता है जिसमें आप 4 या 5 BHK भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर बड़ा घर बनाना है तो 3-4 BHK भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अभी बिल्डर की ओर से जो ऑफर किया जा रहा है वो 1 BHK 500 स्क्वायर फुट का, जिसमें आपको जो कॉस्ट है वो काफ़ी यहाँ पे कम मिलने वाली है। तो अगर लेआउट की बात करते हैं तो इसमें लगभग 1,00,000 स्क्वायर फुट जगह जो है वो एमिनिटीज़ और ओपन स्पेस छोड़ा गया है। ये यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा ओपन स्पेस यहाँ पे छोड़ा गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको MP थिएटर, उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है। उसके अलावा जो ऊपर जो एमिनिटीज़ है तो वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल आपको जो गज़ीबो है वो दिया गया है, वहाँ पे वो साइड में देख सकते हो पार्टी लॉन है। उसके अलावा चिल्ड्रन प्ले एरिया भी आपको यहाँ पे मिल रहा है ऊपर की साइड में और यहाँ पे एक एमिनिटीज़ है जिसमें आपको काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसा
क्लब हाउस मिल रहा है, उसके सामने आपको लॉन मिल रहा है, यानी आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो तो आप इस प्रोजेक्ट में ही कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दी है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रैक्टिकली हम लोग प्लॉट में जाके देखेंगे कि करंट जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है डेवलपमेंट की, वो क्या है। प्लॉट के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली वो हम प्रोजेक्ट में जाके देखेंगे। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल जानकारी है और जो लेआउट है वो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हो। तो आइए अभी हम प्रोजेक्ट का थोड़ा सा प्रोजेक्ट को चलते चलते हुए देखते हैं, प्रोजेक्ट में जो बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी होती वो क्या क्या दी गई है, तो आइए अभी हम जानते हैं। तो साथियों अभी जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है वो कितनी हो चुकी है वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हुई नहीं है पर मिलने वाली वो भी समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रोजेक्ट का वहाँ पे काफ़ी एंट्रेंस गेट जो है वो काफ़ी बड़ा दिया गया है, वो साइड में 24/7 सिक्योरिटी केबिन भी वहाँ पे रहने वाला है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी रहेंगे, CCTV कैमरे भी आपको यहाँ पे दिए गए पूरे प्रोजेक्ट में। उसके अलावा ये जो रोड है ये 12 मीटर का यानी 40 फीट का रोड है। उसके अलावा आपको यहाँ पे ड्रेनेज आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे ड्रेनेज भी दिया गया है। उसके अलावा ये देखिए ये जो वॉल कंपाउंड है ना, ये पूरे प्रोजेक्ट को वॉल कंपाउंड है, आप जहाँ पे भी नज़र घुमाओगे पूरे प्रोजेक्ट को वॉल कंपाउंड दे रखी है। जनरली बाकी बिल्डर ये सबसे लास्ट में देते हैं, लेकिन जो जो ब्रांड है ये प्लॉटिंग का फिलहाल तो एक नंबर का ब्रांड है। उसके अलावा ये साइड में प्लांटेशन दिया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। ये जो नीम के पेड़ होते हैं वो है, उसके अलावा ये गुलमोहर के पेड़ है, पाम के पेड़ भी यहाँ पे आ चुके हैं। पीछे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारा प्लांटेशन हो चुका है। वैसे ये एरिया जो है पूरा फार्मिंग का ही एरिया है, अगल बगल में गन्ने की खेती हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी सारे नारियल के पेड़ आप यहाँ पे अगल बगल में देख सकते हो। वो साइड में पानी का जो मेन सोर्स है, वाटर का जो मेन सोर्स है वो वहाँ पे दिया गया। आपको मालूम है प्लॉटिंग में जो वाटर का महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी अभी क्या करते हैं वो उस वेल की तरफ जाते हैं और जो बावड़ी है जहाँ से पानी आने वाला है उस पूरे प्रोजेक्ट को, उसकी क्या कंडीशन है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। सो साथियों ये जो वाटर का मेन सोर्स है यहाँ पे वेल है काफ़ी बड़ा, आपको वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो जून महीना चालू है फिर भी इस वेल में कितना सारा पानी है यहाँ पे। तो पानी का मुझे नहीं लगता यार इस प्रोजेक्ट में कोई कमी हो, और इस अगल बगल में भी देख सकते हो फार्मिंग चल रहा है, गन्ने का फार्मिंग चल रहा है, और जितना ग्रीनरी इस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट के अगल बगल में दिख रहा है तो वाटर का सोर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा, तभी ये सब इतना ग्रीनरी आपको दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी का जो रहने के लिए घर है यानी 24/7 सिक्योरिटी तभी मिल सकते जहाँ पे जब यहाँ पे कोई रहने के लिए हो, तो उसका भी अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। वॉल कंपाउंड तो मैंने बताया पूरे प्रोजेक्ट को है, लेकिन 24/7 आपको जो मेन गेट है वहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलेगी और CCTV कैमरे जो है वो भी आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल जानकारी वो समझ में आई होगी, लीगल भी समझ में आया होगा। अभी हम जो प्राइजिंग है उसकी बात करते हैं, और अगर अभी यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए अभी हम प्लॉट का एरिया, प्लॉट की साइज और प्राइजिंग की बात समझ लेते हैं। तो साथियों अभी हम लोग जो प्लॉट मिनिमम प्लॉट साइज उस पे जो रेट लगेगा पैकेज कॉस्ट उसको समझेंगे, अगर बंगलो ले रहे हैं तो उसकी भी प्राइजिंग समझेंगे, और लोन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो सबसे जो मिनिमम प्लॉट साइज़ है वो 1077 स्क्वायर फुट यानी 1077 स्क्वायर फुट की होने वाली है। जो रेट है पर स्क्वायर फुट का वो 1600 रुपये पर स्क्वायर फुट का रेट होने वाला है, यानी पैकेज कॉस्ट जो है वो 21 लाख तक जाने वाली है यहाँ पे अगर आप सिर्फ प्लॉट ले तो। यहाँ पे ऐसे जनरली प्लॉट आएगा, आप ये डेवलपमेंट देख सकते हो। अब ये ड्रेनेज सब पहले बना के रखे हुए, ये बहुत मेन काम होता है, ड्रेनेज और जो अंडरग्राउंड जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है ये होने के बाद ही फिर मेन प्लॉट होता है। तो इसका काम चल रहा है, 6 महीने बाद आपको प्लॉटिंग का यहाँ पे पोजेशन का कमिटमेंट है, रेरा अप्रूवल प्रोजेक्ट है, तो जो टाइम दिया गया है उसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप बंगलो ले रहे हो तो 1077 स्क्वायर फुट का लैंड होगा जिसमें 500 स्क्वायर फुट का बिल्ट अप 1BHK बंगलो होगा जो आपको 30 लाख तक यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, जो इन्हें परमिशन है या फिर रेरा वो प्लॉटिंग का दिया गया। बंगलो जो है वो ऑन डिमांड कस्टमर के डिमांड पे यहाँ पे बनाने का प्लान है। तो बंगलो जो है वो 30 लाख में आपको यहाँ पे जाएगा, यानी 9 लाख रुपए बढ़ेंगे, लेकिन 1BHK बंगलो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो लॉक इन की होगा। और अगर आप सेकंड होम देख रहे हो ना तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, दोनों हाईवे के बीच में ये लोकेशन है, और 30 लाख रुपए जो रेट है यानी बंगलो के लगभग 9 लाख रुपए बढ़ रहे, तो ये काफ़ी अच्छी डील है। बंगलो ये सेकेंडरी ऑप्शन है तो बिल्डर ने वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को रखा नहीं है, कस्टमर के डिमांड के ऊपर बंगलो बना के दे रहे हैं, और ज़्यादा बंगलो बनेंगे तो प्रोजेक्ट दिखने में अच्छा दिखता है और जो लैंड का अप्रिसिएशन है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए बंगलो का ऑप्शन दिया है। वहाँ पे आप देख सकते हो बंगलो का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बारिश शुरू होने की वजह से
कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के काम पे थोड़ा असर होता है और थोड़ा जो टाइम लगता है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हो चुके हैं। लॉन्चिंग के बाद अभी लॉन्च हुआ है प्रोजेक्ट, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर इस डेवलपर का आपको डेवलपमेंट देखना है तो आप वागुली, या हमने कुछ दिन पहले एक सासवड़ में एक वीडियो बनाया था, तो मैं आई बटन में वहाँ पे आपको सासवड़ के प्रोजेक्ट का भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके सासवड़ का अगर प्रोजेक्ट देख रहे हो जो पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमने बनाया था, वहाँ पे आपको इस प्रोजेक्ट डेवलपर का जो डेवलपमेंट है वो देख जाएगा। ये हमने वागुली में भी बनाया था, वहाँ पे भी आपको डेवलपर का जो डेवलपमेंट का स्टाइल है और कितना ऑन टाइम पोजीशन देते वो सब देखने मिल सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारा जो प्रोजेक्ट है या जो डिटेल हमने जानकारी देने की कोशिश की अभी तक वो सारी समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट में इस प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए इसको समझते हैं। तो साथियों, आखिर में हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और अभी तक आपने जो भी जानकारी इस प्रोजेक्ट के लिए उसका एक शॉर्ट में ओवरव्यू भी करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका लीगल टाइटल NAPMRDA और RERA सैंक्शन प्रोजेक्ट है। तो NAPMRDA सैंक्शन होने की वजह से आपका सेपरेट सेल डीड 7/12 तो बनेगा, लेकिन बैंक लोन भी यहाँ पे होने वाला है। और जैसे मैंने पहले बताया कि PMRDA सैंक्शन में क्या होता है कि जितना प्लॉट आपको ब्लूप्रिंट पे दिखता है उतना पूरा प्लॉट आपको हैंडओवर भी होता है, मींस एक्चुअल उतने प्लॉट का आपको पोजीशन भी मिलता है। रेरा का बेनिफिट है, कुछ डिस्प्यूट होता है आपके और बिल्डर के बीच में तो आप रेरा में जाके उसका कंप्लेंट भी कर सकते हो और वहाँ पे जाकर आप न्याय भी मांग सकते हो। तो ऐसे जनरली होता नहीं, डिस्प्यूट काफ़ी कम होते हैं रेरा आने के बाद, तो काफ़ी कम डिस्प्यूट हुए, लेकिन ये रेरा अप्रूवल भी प्रोजेक्ट है। बैंक लोन 90% तक बैंक लोन हो रहा है, यानी आपके पास कम से कम भी अगर डाउन पेमेंट है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट का लोकेशन थेऊर है, दो हाईवे के बीच में ये लोकेशन पड़ता है, पुणे सोलापुर हाईवे, पुणे नगर हाईवे के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट है। नेचर काफ़ी अच्छा है, आप ग्रीनरी देख सकते हो, वाटर का सोर्स अच्छा होने की वजह से नेचर काफ़ी अच्छा है। प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे USP आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा 15 से ज़्यादा एमिनिटीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, बंगलों का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप डायरेक्टली बंगलों में डील करना चाहते हो तो बिल्डर की ओर से आपको बंगलों भी मिलेगा और रेट काफ़ी कम रखा गया है। 21 लाख रुपये प्लॉट का बजट है और 30 लाख रुपये बंगलों का, यानी 9 लाख में आपको बंगलों भी यहाँ पे लेने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आप लीगल टाइटल की देख लीजिए, क्योंकि लाइफ में आप काफ़ी बार तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, लेकिन जब भी कर रहे हो तो क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कीजिए। आपने अगर हमारी वीडियो देखी तो मैक्सिमम लीगल प्रॉपर्टी की हमने वीडियो बनाए, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे बुक माय वास्तु टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि हम लोग एक मार्केटिंग एजेंसी है, आप हमें कंसल्टेंट भी कह सकते हो, हम कोई चार्ज नहीं करते, मीन्स हम ब्रोकर जैसा कोई काम नहीं करते, तो आपसे हम कोई भी चार्ज नहीं करते। बिल्डर ने ऑलरेडी हमें पे किया होता है मार्केटिंग का यहाँ पे पैसा, तो आप बेझिझक होकर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो हम लोग रोज ही वीडियो बनाते हैं, तो कोई ना कोई आपको पसंद आने वाला आपके बजट के हिसाब से आपके लोकेशन के हिसाब से हम आपको प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और जिसका कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लेने के लिए आप ज़रूर स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए और हमें संपर्क कीजिए, हम आपको काफ़ी अच्छा जो कंसल्टिंग है वो प्रोवाइड करेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज भी नहीं करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिए, और अगर ये वीडियो अगर आप बुक माय वास्तु पेज पे देख रहे हो या बुक माय वास्तु पुणे के पेज पे देख रहे हो तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बुक माय वास्तु के फेसबुक और इंस्टा पे भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है और वहाँ पे भी काफ़ी लोग हमारे ये वीडियो देखते हैं। तो फेसबुक और अगर इंस्टा पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो भी करना बिल्कुल ना भूलिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करके हमें आशीर्वाद भी दीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी हौसला और मोटिवेशन मिलता है अगर आप जब हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करते हो। तो जल्दी मिलते हैं नए प्रोजेक्ट और नए लोकेशन के साथ, तब तक के लिए हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।